एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन के हवाले से आज हमारा मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल के मुतालिक है तो स्केलेटल मसल uh, जो के कि हमारे बॉडी के अंदर देर आर आर देर आर मैनी मसल देर आर हंड्रेड ऑफ मसल्स विच आर वर्किंग और uh, जिसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है और हमारी बॉडी मूव करती है और बाज़ू मूव करते हैं हमारी टांगे मूव करती हैं तो वगैरह ये सब कुछ इट इज़ ऑल ड्यू टू द मसल मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हम मसल के बारे में बहुत डिटेल में आज स्टडी करनी है और इसमें सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जो हम के हम एक एक लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो मसल कैसे नज़र आता है तो ये हमारे एल्बो मसल्स हैं जिसके अंदर बाइसेप्स हैं ट्राइसेप्स हैं तो बाइसेप्स को अगर हम देखा जाए बाइसेप्स को दीज आर दी बाइसेप्स दीज आर बाइसेप्स मसल्स तो और इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि टेंडन भी है और ये टेंडन देन इट इज़ कनेक्टेड विद द बोन तो व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो ये दिस बोन दिया फोर आर्म इज अप नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट इज लिफ्टेड अप या फिर रिलैक्सेशन जब होती है तो ये जो एल्बो uh, है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो ये एक थोड़ा सा हिस्सा जो इनतहाई डायग्रामेटिक है उसमें उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं नाउ दिस इज द बोन पार्ट ये टेंडन है टेंडन के साथ ही ये मसल्स अटैच है और ये ये हिस्सा जो है इट इज़ अ कट पार्ट ताकि अंदरूनी स्ट्रक्चर हम देख सकें तो इसमें सबसे आउटर कवरिंग है जिसे विच इज़ मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है विच इज़ कॉल्ड एज दी माइसियम अब इस माइसियम को अगर हम पीछे हटा दें तो हमें मसल्स के ग्रुप्स नजर आएंगे और दीज ग्रुप्स ऑफ मसल्स लाइक दिस दीज आर ये एक ग्रुप है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौथा इस तरह ये ग्रुप्स ऑफ मसल्स है एंड दे आर कवर्ड ओवर बाई अनदर दैट इज अदर सेम टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और इसे हम भी कहते हैं पेरीमाइसियम ये पेरीमाइसियम तो ये एपीमाइसियम जैसे पेरीमाइसियम और उसके बाद एक इस हिस्से को बाहर निकाल के दिखाया गया और इसमें से फिर एक मसल फिब्रल को बाहर निकाल के दिखाया गया और दे आर आल्सो सराउंडेड बाई दिस कनेक्टिव टिश्यू और इसे हम फिर कहते हैं एंडोमाइसियम तो ये तीन किस्म के कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि ग्रुप बाई ग्रुप ये दे आर एन दे आर एनशीथ हर मसल हर मसल जो है ये एक बहुत सारे सेल्स का मजमू है और उन मसल्स को हम उन सेल्स को कहते हैं मसल फाइबर कहते हैं अब ये मसल फाइबर इन टर्न दे आर कंपोज ऑफ मैनी इन ये चीज यहाँ तक तो हम इसे देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली और ये तमाम का जिक्र है एंडोमाइसियम पेरीमाइसियम एंड दैरिम अब इस डायग्राम में नाउ दिस इज द मसल मसल सेल एंड दिस मसल सेल इज सराउंड बाई ए मेमब्रेन एंड दिस मैम्बरिन इज कॉल्ड एस सार्कोलेमा मसल्स की एक्सप्लेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ टिश्यूज़ ये सार्कोलेमा है विच इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग और दैल मैम्बरिन जिसे हम कहते हैं और इमीजिएटली बिलो द सेल मैम्बरिन दे आर मैनी न्यूक्लियाई अब इसके अंदर न्यूक्लियाई की तादाद ज़्यादा है ये ऐसा सेल है जो कि इसकी न्यूक्लियाई की तादाद बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह यह है कि एम्ब्रियोनिकली बहुत सारे सेल्स ये मिलके फिर एक मसल फाइबर बनते हैं या एक मसल सेल बनते हैं और ये एक मसल सेल दिखाया गया है इसी को इनमें से एक मसल फाइबर में से एक मसल फिबल बाहर निकाल के दिखाई उसको एनलाज किया गया है और इसके ऊपर हमें स्ट्राइएशन्स नज़र आती जैसे यहाँ पे स्ट्राइएशंस हैं धारियाँ हैं इसी तरह हम अगर एक मसल फिबल को बाहर निकालेंगे तो वो भी उसके ऊपर भी उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग ये इसके ऊपर स्ट्राइएशंस हैं और इन स्ट्राइशंस को इनके बाकायदा इसको किया गया है डेजिग्नेट किया गया है जैसे ए बैंड है नाउ दिस इज़ ए बैंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह एक बैंड है और uh, हम देखेंगे कि इस बे ए बैंड के अंदर क्या है मलिकुलर लेवल पे देखेंगे इसके अंदर क्या है और ये जो लाइंस हैं ये ब्लैक ये डॉटेड हैं दिखाई गई हैं तो ये जी लाइंस कहलाती हैं और और यहाँ पे यहाँ से ये जो लाइटर है इन स्ट्रक्चर है दिस इज द आई बैंड और ये यह उधर ये आई बैंड है और इसको अगर मैग्नीफाई करें इसको अगर हम मैग्नीफाई करें तो Z लाइन से Z लाइन्स तक ये पूरे का पूरा हिस्सा मसल फेब्रिल का दिस पार्ट ऑफ इट दैट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर और ये सार्कोमियर असल में एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मसल फेब्रिल का ये एक और डायग्राम उसी की ही तकरीबन वही है उसी तरह की ही है और इसके अंदर भी जरा फर्दर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है सो दिस इज ए बैंड ये दोनों तरफ आई बैंड और फिर इसकी एक सार को, को फर्दर एनलाज किया गया है और यहाँ पे जी लाइन है ये जी लाइन है और इसके अंदर ये ए बैंड मिसाल के तौर पे तो, तो इनफैक्ट ये ए बैंड इसके अंदर मायोसिन फिलामेंट्स है दीज आर मायोसिन फिला ये मायोसिन फिलामेंट्स जो है ये रेलेटिवली थिकर हैं जबकि ये जो आई बैंड है जिसकी मैग्निफिकेशन जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो अगले सार्कोमीर के साथ अटैच होगा जिसके सेंटर में ये जी लाइन है और इसके साथ ये फिर और एक दिय प्रेजेंट द थिन फिलामेंट्स। तो ये थिक फिलामेंट्स हैं दरमियान में और इनके साथ ये थिन फिलामेंट्स हैं जिन्हें हम जाहिर है कि अगले मॉड्यूल्स के अंदर इसको फर्दर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं अब ये वट uh, देखना है कि वट इज़ द अरेंजमेंट वाट इज द अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिक फिलामेंट्स और इसको देखने के लिए हम असल में अगर एक मसल फाइबर को क्रॉस सेक्शन में देखें मुख्तलिफ रीजन से तो हमें पता चलता है कि वाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स तो मायोसिन के मायोसिन इफ दे सेंट्री लोकेटेड तो इसके दे आर देर सराउंडड बाई सिक्स सिक्स थिन माओफिलामेंट्स और uh, ये मुख्तलिफ uh, मुख्तलिफ एरिया से इसमें बैंड से जब हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं इस सेल को तो इसके अंदर ये है वो कि मायोसिन दिस इज सराउंडेड बाय सिक्स थिन फिलामेंट्स या मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय सिक्स थिन एक्टिन फिलामेंट्स सो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ वन मसल सेल ये जेड लाइन्स की बात कर रहे थे हम तो जेड लाइन्स हैं इनके दरमिया हिस्सा को हम सार्को कहते हैं जो कि जो कि जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि दिस इज़ द यूनिट ऑफ ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मसल द स्केलेटल मसल नाउ थिन फिलामेंट्स विच आर अटैच विद जी लाइन एंड दे प्रोजेक्ट टूवर्ड्स देंटर टूवर्ड्स देंटर ऑफ द मेयर और ये जो थिन फिलामेंट्स हैं दे आर वेरी थिन दे आर अबाउट सेवन टू एट नैनोमीटर नैनोमीटर मीन्स वन बिलियंथ पार्ट ऑफ ए मीटर तो दे आर सो थिन के ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली ही ये हम देख सकते हैं जबकि थिक फिलामेंट्स, इनका डायामीटर डेढ़ दिया अबाउट सिक्सटीन यानी कि डबल है ऑलमोस्ट थिन फिलामेंट से तो ये भी ये दे आर दे आर दे इन देंटर दे ऑफ ऑफ दार्कोमिया और ये दिस इज न डायग्राम टू शो ये राइट साइड पर आप देख रहे हैं कि दिस इज एक्चुअल दिस इज एक्चुअल यू कैन से फोटोग्राफ जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली ली गई है और इसकी एक्सप्लेनेशन इसको डायग्रामेटिकली हम दूसरे हिस्से में देख रहे हैं डायग्राम के दूसरे हिस्से में और यहाँ पे ये जो ब्लू लाइंस हैं दे रिप्रेजेंट तो, दिस इज द ए बैंड और ये मायोसिन फिलामेंट्स है और जिसके सेंटर में इज अनदर लाइन विच इज़ द मिडल लाइन जिसे कहा जाता है और ये जी लाइन है और यहाँ से फिर जैसे जिक्र किया गया कि यहाँ से एक्टिन फाइबर्स एक्टिन फिलामेंट्स दे प्रोजेक्ट द सेंटर उधर यहाँ से भी यहाँ से भी आ रही यहाँ से भी आ रही यहाँ से भी उधर यहाँ से भी आ रही तो ये जी लाइन बनती है दिस पार्ट ऑफ इट जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए बैंड है सॉरी आई बैंड है दिस आई बैंड ए बैंड तो ये है और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कंट्रैक्शन के दौरान ना तो एक्टिन और ना ही मायोसिन ये दोनों फाइबर्स दोनों फिलामेंट दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट इवन दैन हम देखते हैं मसल ओवरऑल ये कंट्रैक्शन होती है इसी की हमने एक्सप्लेनेशन अगले मॉड्यूल्स के अंदर करेंगे